नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनी जी आरती में। दोस्तों, माँ के मूल पूजा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्रिया जो है वो करना होता है, जैसे कि आचमन आदि विधि होता है, सामान्य अर्घ गंध्यादि अर्चन आदि। तो मूल पूजा के पहले क्या करना होगा ऑर्डर से, वही जो है मैं आपको आज बताऊंगा यहाँ पर सभी के लिए। साधारण तौर पे जो लोग घर पे पूजन कर रहे हैं, मैं उनके लिए जो है ये बताने जा रहा हूँ। मूल पूजा देखिए, साधारण हम लोग जो घर पे पूजन करते हैं उसमें मूल पूजा, यानी कि मूल पूजा किसे कहा जाता है, माँ की मूल पूजा जो होती है वो दशोपचार हो, षोडश उपचार हो, जो उपचार विधि से आप पूजन करेंगे। माँ की मानस उपचार पूजा करते हुए आप जो षोडश उपचार, दशोपचार या फिर पंचोपचार भी आप करें, मतलब माँ को जो उपचार निवेदन कर रहे हैं आप, पूजा के द्रव्य आदि जो है मंत्र के साथ निवेदन कर रहे हैं, उसे ही मूल पूजा कहा जाता है। चाहे कोई भी पूजा में हो, इसे इस पाठ को जो है मूल पूजा कहा जाता है, जिसमें आप आराध्य देवी देवता के, मतलब जिनके लिए ये विशेष पूजा हो रही है, उन्हें जो है आप उपचार आदि निवेदन कर रहे हैं। तो ये जो होता है ये मूल पूजा होता है, जिसमें हम उपचार आदि विधि निवेदन करते हैं, उपचार निवेदन को मूल पूजा कहा जाता है। पर उसके पहले जैसे कि ऑर्डर से कुछ करना होता है, आचमन आदि ये सब कुछ, तो यहाँ पर मैं देखिए मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। बहुत सारे इसके पहले भी मैंने जो है इसके ऊपर मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है, पर बहुत सारे लोगों को मुझे लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो में मैं आपको संक्षिप्त में वही बताने जा रहा हूँ। आप लोग जो साधारण तौर पर जो है पूजन कर रहे हैं, देखिए महापूजा की विधि में ना कई सारे विषय, कई सारी चीज़ें जो है वो जुड़ते हैं, कई सारे क्रिया आदि विधि आदि होते हैं मूल पूजा के पहले भी जो है, तो वो सारी चीज़ें लेकर हमें सोचना ही नहीं है। और आप में से कई लोग क्या करते हैं कि बेलूर आदि के, बेलूर मठ आदि के पूजा आदि को देखकर जो है कई कृत्य करने या समझने जाते। दोस्तों, वो बहुत ही बड़े तौर पर, बहुत विस्तारित तौर पर एक पूजा है, उसे देखकर आप जो है उस तरीके से करने जाएंगे तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ होंगे, ज़रूर से आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। वो पूजा तभी किए जा सकते हैं, मतलब उसे समझकर तभी किए जा सकते हैं, जब जो है आप पूजा करते करते उस विषय को समझ जाए, पारंगत हो जाए, तभी जाकर जो है, मतलब वो जो है ना वो एक उच्चतम भावना की पूजा है, उच्चतम पूजा है। तो वहाँ पर आप अगर एक दिन में ही संक्षिप्त पूजा आदि ना करके ही अगर एक दिन में आप वो सीख लेंगे या फिर उसे फॉलो करने जाएंगे तो कन्फ्यूज़ होना स्वाभाविक है। तो मैं यहाँ पर साधारण तौर पे जो लोग पूजन कर रहे हैं घर पे नवरात्रि के दौरान, माँ की सेवा पूजा आरती जो लोग नित्य प्रतिदिन करना चाहते, विशेषकर माँ के मूल पूजा ही केवल मात्र जो है जिनका उद्देश्य है कि माँ को जो है हम 9 दिन दशोपचार विधि के साथ पूजन करेंगे, तो दशोपचार मूल पूजा करने से पहले जो है उसके पहले की कृत्य क्या होना चाहिए, उसके पहले की क्रिया क्या जो है ऑर्डर होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें जो है आचमन करना है, सर्वप्रथम हमें आचमन करना है। उसके बाद जो है हम गंगे यमुनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जली हस्मिन सन्निधिं कुरु, इस प्रकार बोलते हुए फिर हम आचमन करेंगे, फिर हम पवित्रीकरण करेंगे। उसके बाद जो है हम जो है गंध्यादि अर्चन करेंगे, उसके बाद हम जो है गंध्यादि अर्चन करेंगे, उसके बाद जो है हम कलश स्थापना करेंगे, उसके बाद जो है हम सामान्य अर्घ स्थापन करेंगे, और इसके बाद दीप या फिर अखंड दीप हो, अखंड धूप हो, या फिर पूजा के साक्षी दीप धूप, ये सब कुछ जो है यानी कि युति प्रज्वलन, धूप दीप प्रज्वलन आदि, अखंड धूप दीप भी हो जिसे जाग दीपक या फिर जग धूप कहा जाता है, या अखंड धूप धुनी कहा जाता है, अखंड दीप कहा जाता है, तो उन्हें जो है हम प्रज्वलन करेंगे। अब जो है
अब जो है हम पंच देवताओं की पूजन करेंगे। पंच देवताओं में मूल रूप से जो है हम गणपति पूजन करेंगे, हम जो है श्री विष्णु की पूजन करेंगे, हम जो है शिव पूजन करेंगे, हम जो है सूर्य पूजन करेंगे, हम जो है अग्नि पूजन करेंगे और जय दुर्गा पूजन करेंगे। ये पंच देवता अग्नि और सूर्य पूजन ये एक साथ मिलाकर ही जो है मतलब गणपति पूजन, विष्णु पूजन, शिव पूजन, अग्नि और सूर्य पूजन, अग्नि पूजन, जय दुर्गा यानी कि जय दुर्गा पूजन जो है ये किए जाते, इसे पंचदेव पूजन कहा जाता है। इन्हें जो है हर पूजा के पहले करना ही होता है। आप बहुत कुछ इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग साधारण तौर पे जो लोग पूजन कर रहे हैं वो केवल एत गंध पुष्पे ओम गणेशाय श्री श्री सिद्धिदाता गणेशाय नमः ये बोलते हुए, एत गंध पुष्पे नारायणाय विष्णवे नमः ये बोलते हुए जो है आप गंध पुष्प अर्पण करके भी पंच देवता के पूजन कर सकते हैं, या फिर गंध पुष्प और धूप से भी जो है आप पूजन कर सकते हैं। तो पंच देवता की पूजा हमने की, इसके बाद जो है आपको मानस उपचार पूजा करते हुए, मानस उपचार पूजा करते हुए जो है अब आपको जो है मूल पूजा में प्रवेश करना चाहिए। मूल पूजा आपके हो गए उसके बाद जो है आरती आदि करते हुए आपको पूजा जो है वो संपूर्ण करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं प्रथम दिन में प्रतिपदा के दिन के लिए ही ये बता रहा हूँ क्योंकि कलश स्थापना तो रोज़ नहीं किए जाएंगे। तो सर्वप्रथम आप जो है जल शुद्धि करेंगे, उसके बाद आचमन करेंगे, उसके बाद पवित्रकरण करेंगे, उसके बाद जो है आप जो है गंध्यादि अर्चन करेंगे, उसके बाद कलश स्थापना करेंगे, उसके बाद जो है आप सामान्य अर्घ स्थापन करेंगे। सामान्य अर्घ स्थापन के बाद ही जो है कलश स्थापना करते हुए ही एक आरती करना चाहिए। कलश स्थापना के बाद आरती करना चाहिए, प्रतिष्ठा आरती। सामान्य अर्घ स्थापन के बाद ही संकल्प आदि आपके जो होंगे वो आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा कलश के पहले संकल्प लेना चाहिए या कलश के बाद, जो है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप उसे देखिए। यहाँ पर उस विषय में बोलने जाएंगे तो वीडियो बेकार में लंबा हो जाएगा, वो वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। देखिए हर किसी के ना अपने परंपरा अनुसार होते, मान लीजिए कोई अपने गुरु से या फिर जो है जिनसे पूजा वो सीखते हैं उनसे, उन्होंने जिस प्रकार से सीखे हैं वो उस प्रकार से करते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको आप सभी के लिए ये ऑर्डर बता रहा हूँ। तो आपको सर्वप्रथम जो है जल शुद्धि करते हुए आपको आचमन करना है, उसके बाद जो है आपको, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा क्या हम तांत्रिक आचमन भी कर सकते हैं नॉर्मल आचमन के साथ? हाँ कर सकते, उसमें कोई समस्या नहीं है, करना आवश्यक नहीं है, पर अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आपको जल शुद्धि करते हुए आचमन करना है, उसके बाद जो है पवित्रकरण करना है, उसके बाद गंधादि अर्चन करना है, उसके बाद जो है आपको कलश स्थापना करना है। कलश स्थापना करते हुए जैसे कि एक प्रतिष्ठा आरती करनी चाहिए, इसके बाद जो है आपको सामान्य अर्घ स्थापन करते हुए जो है आपको संकल्प आदि जो है वो आपको ले लेना है। जिनके प्रतिष्ठित मूर्ति है वहाँ पर तो संकल्प आदि के कोई विषय ही नहीं है। इसके बाद जो है आप धूप दीप आदि जो भी अखंड धूप दीप होंगे या फिर पूजा के धूप दीप आदि आप प्रज्वलन करेंगे। इसके बाद आपको पंचदीप की पूजन करना है, इसके बाद जो है आपको माँ के मानस उपचार पूजन करना है, और फिर जो है आपको मूल पूजा, माँ के जो मूल पूजन आदि करते हुए अरात्रिक करते हुए जो है आपको पूजा संपूर्ण करना है। तो इस प्रकार से ही जो है इस ऑर्डर के साथ जो है इस क्रम के साथ जो है आपको माँ की पूजा नित्य प्रतिदिन करना होगा। जैसे कि प्रतिपदा के दिन तो कलश स्थापना आदि होंगे, बाकी दिनों में जो है संकल्प और कलश स्थापना नहीं होंगे, बाकी एक ही ऑर्डर बिल्कुल एक रहेगा, ऑर्डर कोई चेंज नहीं होगा। बाकी दिनों में जो है ऑर्डर बिल्कुल एक रहेगा, केवल कलश स्थापना और जो है जो संकल्प जो है वो केवल नहीं होगा। संकल्प जो है वो एक ही दिन लिए जाते हैं, संकल्प रोज के नहीं लिए जाते हैं। प्रतिपदा तिथि बारभ्य
महानवमी जावत, अर्थात प्रतिपदा से लेकर महानवमी तक आप पूजन करेंगे। प्रतिदिन केवल प्रतिपदा के संकल्प, केवल द्वितीया के संकल्प, केवल तृतीया के संकल्प, ये नवरात्रि पूजन का विधि नहीं है। नवरात्रि पूजन में आपको कल्प के अनुसार एक साथ संकल्प लेना होता है। आप केवल अष्टमी के पूजन कर रहे हैं, वहाँ पर विषय अलग हो जाता है। आप केवल नवमी के पूजन कर रहे हैं, वहाँ पर आपका विषय अलग हो जाता है। पर आप प्रतिपदा से नवमी तक पूजन कर रहे हैं तो प्रतिपदा तिथि बारभ्य महानवमी जावत ये होना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर आपको नवमी तक पूजन करना है। प्रतिपद के दिन ही एकमात्र एक बार संकल्प लिए जाएंगे और नवमी के दिन जाकर जो है वो आपको आप होम करते हैं, धूप हवन करते हैं, महाआरती आदि जिस प्रकार से भी आप जो है समर्पण करते हैं, असल में अग्निक्रिया के माध्यम से ही समर्पण किए जाते हैं महानवमी के दिन। उस दिन आपको वो संकल्प जो है वो समर्पित कर देना है। पर ध्यान रखिए, संकल्प प्रतिपदा के दिन ही केवल लिए जाएंगे। कभी भी जो है हर दिन का अलग अलग संकल्प नहीं होता है। ये जो है बिल्कुल भी विधि नहीं है, ये गलत विधि है जो लोग करते हैं। हमेशा जो है आपको प्रतिपदा से अगर नवमी तक पूजन करना है तो आपको प्रतिपदा के दिन ही जो है नवमी तक के संकल्प लेने हैं और संकल्प केवल प्रतिपदा के दिन ही लिए जाएंगे। इसके ऊपर मैंने प्रतिपदा के दिन आप कैसे संकल्प लेंगे मैंने वीडियो मंत्र के साथ बना दी है, उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ऑर्डर जो है वो समझ में आ गया है कि किस प्रकार से जो है आपको माँ की जो है पूजन करना है। तो मूल पूजा से पहले आपको जो है जल शुद्धि करते हुए आचमन करना है, उसके बाद जो है आपको पवित्रीकरण करना है, गंधादि अर्चन करना है, उसके बाद आपको कलश स्थापना करते हुए आरती आदि करना है, स्थापना आरती आदि जो है, उसके बाद जो है आपको सामान्य अर्घ स्थापन करना है, उसके बाद संकल्प आदि लिए जाएंगे, उसके बाद जो है आपको धूप दीप आदि प्रज्वलन करना है। आप धूप दीप, अखंड धूप दीप आदि प्रज्वलन करके ही संकल्प लीजिए दोस्तों, वही जो है सही होता है। तो ये आपको करने के बाद जो है फिर जो है आपको पंचदेवता की पूजन करना है, फिर मानस उपचार पूजा करना है माँ के, उसके बाद जो है मूल पूजा करते हुए आरती करते हुए जो है आपको पूजन पूर्ण करना है, यानी कि संपूर्ण करना है उस दिन के लिए जो है। और संकल्प के विषय में ये ध्यान रखिएगा कि प्रतिपदा के दिन ही केवल मात्र एक बार संकल्प लिए जाएंगे। हर दिन का संकल्प नवरात्रि में नहीं होता है। नवरात्रि जो है 9 दिनों का होता है, तो इसलिए एक ही दिन संकल्प लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।